फ्री में सब्सक्राइब कीजिए अमित क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अच्छे अच्छे वीडियो पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज अमित कुमार। अमित क्लासेस ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बूटेबल बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है और बूटेबल का मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप पहले बहुत सारा ऐसा डिस्क होगा जैसे DVD या CD जिसमें वीडियो हो। बहुत बार आप ऐसा देखे होंगे जब भी आप डिस्क को इंसर्ट करते अपने कंप्यूटर में तो कई बार ऐसा होता होगा कि वीडियो अपने आप प्ले हो जाता है, वीडियो अपने आप चलने लगती है। इसका मतलब है कि वो डिस्क बूटेबल है। पर कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे कि डिस्क को इंसर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप नहीं चलती है, उसे मुझे प्ले करना पड़ता है, उसे आपको प्ले करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वो डिस्क बूटेबल नहीं है। अब आती है बात पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, जितना भी डेटा है उसमें सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कंप्यूटर को ओपन करेंगे, जब आप कंप्यूटर को खोलेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसमें माई कंप्यूटर का आइकन भी नहीं रहेगा। अब जब रहेगा नहीं तो आप पेन ड्राइव के आइकन पर क्लिक कैसे करेंगे और किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे? मतलब इसकी संभावना खत्म हो जाती है। तब ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएं। अगर आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे तब ये होगा, जब भी आप फॉर्मेट करेंगे सिस्टम को तो ज़रूरत है कि आप विंडोज 7, विंडोज 10, जो भी आपका मन है, जो भी विंडोज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे आप पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, और जब भी आप पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बूट करेगा और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में इंसर्ट कीजिए। यहां पर टाइप कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट, फिर यहां पर क्लिक कीजिए, फिर ये चार्ट खुलेगा और आपको यहां टाइप करना है डिस्क पार्ट। फिर इंटर बटन दबाइए, डिस्क पार्ट का ये चार्ट आपके सामने आएगा। फिर आपको यहां टाइप करना है लिस्ट डिस्क। आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, डिस्क 0, डिस्क 1। यहां पर आप GB देख के आप समझ सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव कौन सा है। जैसे कि डिस्क 1 में समझ गया हूँ कि ये मेरा पेन ड्राइव है, यहाँ 14 GB शो कर रहा है। इसके बाद आपको टाइप करना है सिलेक्ट डिस्क 1 और इंटर बटन को दबाइए। डिस्क 1 इज नाउ सिलेक्टेड डिस्क। उसके बाद टाइप कीजिए क्लीन और इंटर बटन दबाइए। फिर आप देखेंगे डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। उसके बाद आपको टाइप करना है क्रिएट पार्ट प्री, इंटर बटन दबाइए। फिर आप यहां देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद आपको टाइप करना है सिलेक्ट पार्ट 1 और इंटर बटन दबाइए। फिर आप यहां देख सकते हैं पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड पार्टीशन। अब आपको यहां पर टाइप करना है फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS क्विक, इंटर बटन दबाइए। इसके बाद आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है एक्टिव, इंटर बटन दबाइए। अब आप यहां देख सकते हैं डिस्क पार्ट मार्क्ड द करंट पार्टीशन एज एक्टिव, अब ये एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आपको टाइप करना है एग्जिट और इंटर बटन दबा दीजिए। अब आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।